भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी नाम से भी जाने जाते हैं। वे वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। विराम। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। विराम। 10 अप्रैल 1952 से 23 अप्रैल 1954 तक वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। विराम। उनका जन्म दक्षिण भारत के सलेम जिले में थोरापल्ली नामक गांव में हुआ था। विराम। राजा जी तत्कालीन सलेम जनपद के थोरापल्ली नामक एक छोटे से गांव में एक तमिल गांव में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। विराम। आजकल थोरापल्ली कृष्णागिरी जनपद में है। उनकी आरंभिक शिक्षा होसूर में हुई। कॉलेज की शिक्षा मद्रास, चेन्नई एवं बेंगलुरु में हुई। विराम। सन 1937 में हुए काउंसिलों के चुनावों में चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेस ने मद्रास प्रांत में विजय प्राप्त की। उन्हें मद्रास का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1939 में ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच मतभेद के चलते कांग्रेस की सभी सरकारें भंग कर दी गई थीं। चक्रवर्ती ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसी समय दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। यह मतभेद इतने बढ़ गए कि राजा जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब भी वह अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ गिरफ्तार होकर जेल नहीं गए। उनकी राजनीति पर गहरी पकड़ थी। 1942 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने देश के विभाजन को राष्ट्र सहमति प्रदान की। विराम। इतिहास गवाह है कि 1942 में उन्होंने देश के विभाजन को सभी के विरोध के बाद भी स्वीकार किया। सन 1947 में वही हुआ। यही कारण है कि कांग्रेस के सभी नेता उनकी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का लोहा मानते रहे। विराम। कांग्रेस से अलग होने पर भी यह अनुभव नहीं किया गया कि उससे अलग हैं। 1946 में देश की अंतरिम सरकार बनी। उन्हें केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। विराम। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अगले ही वर्ष वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गए। सन 1950 में वे पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिए गए। सन 1952 के आम चुनावों में वह लोकसभा सदस्य बने और मद्रास के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इसके कुछ वर्षों के बाद ही
कांग्रेस की तत्कालीन नीतियों के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों को छोड़ दिया और अपनी पृथक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। 1954 में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विराम। भारत रत्न पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। वह विद्वान और अद्भुत लेखन प्रतिभा के धनी थे, जो गहराई और तीखापन उनके बुद्धि चातुर्य में था वही उनकी लेखनी में भी था। वह तमिल और अंग्रेजी के बहुत अच्छे लेखक थे। गीता और उपनिषदों पर उनकी टिकाएं प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित चक्रवर्ती तिरुमगन, जो गद्य में रामायण कथा है, के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विराम। उनकी लिखी अनेक कहानियां उच्च स्तरीय थी। विराम। स्वराज्य नामक पत्र, उनके लेख निरंतर प्रकाशित होते रहते थे। इसके अतिरिक्त नशाबंदी और स्वदेशी वस्तुओं, विशेषकर खादी के प्रचार में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। विराम। पैरा। अपनी वेशभूषा से भी भारतीयता के दर्शन कराने वाले इस महापुरुष का 28 दिसंबर 1972 को निधन हो गया। विराम।